निबंध स्वतंत्रता दिवस प्रस्तावना। भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस, एक ऐसा दिन जब भारत आजाद हुआ था। कहने को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, लेकिन यह आजादी और भी कई मायनों में जरूरी और अलग थी। हम अब ना तो शारीरिक रूप से गुलाम थे और ना ही मानसिक तौर पर। हमें खुलकर बोलने, पढ़ने, लिखने, घूमने हर क्षेत्र में आजादी मिल गई थी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल। एक, अंग्रेजों का भारत आगमन। बात उस समय की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए। उस समय यहाँ मुगलों का शासन था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया और कई राजाओं को धोखे से युद्ध में कर उनके अपने अधीन कर लिया। 18वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना वर्चस्व स्थापित कर अपने आसपास के क्षेत्रों को वशीभूत कर लिया। दो, भारत एक गुलाम के तौर पर। हमें एहसास हो चुका था कि हम गुलाम बन चुके हैं। अब हम सीधे ब्रितानी ताज ही थे। शुरू शुरू में अंग्रेजों ने हमें शिक्षित करने या हमारे विकास का हवाला देकर हम पर अपनी चीजें थोपना शुरू करा। फिर धीरे धीरे वह उनके व्यवहार में शामिल हो गया और वह हम करने लगे। अंग्रेजों ने हमें शारीरिक, मानसिक हर तरह से प्रताड़ित किया। इस दौरान कई युद्ध भी हुए, जिसमें सबसे प्रमुख था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके लिए थोक के भाव में भारतीयों की जबरन सेना में भर्ती की गई। भारतीयों का अपने ही देश में कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार को भी अंजाम दिया। भारतीय केवल उसके दास मात्र बनकर रह गए थे। तीन, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। इस संघर्षपूर्ण वातावरण के बीच 28 दिसंबर 1865 व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें दादा भाई नेहरूजी और एओ ह्यूमस की महत्वपूर्ण भूमिका रही और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। लोग बढ़ चढ़कर पार्टी में भाग लेने लगे। इसी क्रम में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऐसे ही कई दल सामने आए और उनके अतुल्य योगदान का ही नतीजा है कि हमें आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके लिए कई वीरों ने गोली खाई और कईयों को तो फांसी हुई। कई माओं की कोखें रोईं तो कई भरी जवानी अभागन हुई। चार, सांप्रदायिक दंगे और भारत का बंटवारा। इस प्रकार देश को अंग्रेज छोड़कर तो चले गए और हम आजाद हो गए, परंतु एक और जंग अभी देखना बाकी था, जो कि थे सांप्रदायिक हमले। स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। नेहरू और जिन्ना दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। नतीजन देश का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम से एक हिंदू और एक राष्ट्र की स्थापना की मौजूदगी से इन हमलों में कमी तो आई, फिर भी मरने वालों की तादाद लाखों की थी। एक तरफ आजादी का माहौल था तो दूसरी तरफ नरसंहार का मंजर। देश का बंटवारा हुआ और क्रमशः 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 5, स्वतंत्र भारत में आजादी का पर्व। आजादी एवं बंटवारे के बाद हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को अपने अमर वीर जवानों एवं दंगे में मारे गए निर्दोष लोगों को याद करते हैं। अमर वीर जवानों की कोई गणना नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों से लेकर
बूढ़ों तक सब शामिल थे। पूरा देश एकजुट था, तब जाकर यह सपना साकार हुआ। हाँ, कुछ प्रमुख जरूर थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिन्हें फांसी हुई, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। महिलाएं भी इस काम में पीछे ना थीं, जैसे कि एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू व कई अन्य। 6. में स्वतंत्रता दिवस के मायने। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी बड़े जोरों शोरों से की जाती है। लाल किले के प्राचीर से हर वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान एवं उनके भाषण के साथ कुछ देश प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका आनंद हम वहां प्रस्तुत होकर या घर बैठे वहां के सीधे प्रसारण से ले सकते हैं। हर वर्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसी अन्य देश से बुलाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय सब बंद रहते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरा देश एकजुट होकर मनाता है। 7. निष्कर्ष। यह पर्व हमें अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को ना भूलने का स्मरण कराता है, ताकि दोबारा किसी को व्यापार के बहाने शासन का मौका ना दिया जाए और आज के युवा पीढ़ी का परिचय उनके गौरवपूर्ण इतिहास से कराया जाता है। भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के सबके तरीके अलग हों, मकसद एक है, सब मिलजुल कर एक दिन देश के लिए जीते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और मित्रों को मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। If you like it, please subscribe the channel and share the videos with your friends. Bye.